नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बजट 2021-22 पर स्वराज एक्सप्रेस के खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। बतौर वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल ने इस बार छत्तीसगढ़ का 21वां बजट पेश किया, जबकि यह उनके कार्यकाल का तीसरा बजट है। माना जा रहा था कि कोरोना के चलते प्रदेश का बजट बहुत ज्यादा खास नहीं रहेगा, लेकिन जब सीएम भूपेश ने विधानसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह आगे बढ़े, हर वर्ग और क्षेत्र को कुछ न कुछ मिलता चला गया, साथ ही कई योजनाओं का भी ऐलान हुआ। खैर, भूपेश सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें क्या बड़ा बदलाव आएगा, छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा, इस पर स्वराज एक्सप्रेस अब परिचर्चा करने जा रहा है, जिसमें कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे। बजट 2021-22 को लेकर जो परिचर्चा है उसमें मंत्री अमरजीत भगत, बीजेपी से पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, अर्थशास्त्री रविन्द्र ब्रह्मे और सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर और शिक्षाविद सैयद फाजिल मौजूद रहेंगे और इन खास मेहमानों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पर परिचर्चा करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बजट पर अब शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 को लेकर प्रदेश का बजट पेश कर दिया है। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, कौन सी नई योजनाओं का ऐलान हुआ, कोरोना काल में पेश हुआ बजट कितना खास रहा और किस वर्ग को क्या मिला, इसे लेकर परिचर्चा करें। उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नए दशक का पहला बजट पेश, हर वर्ग पर भूपेश सरकार का फोकस, ग्रामीण विकास और कृषि पर विशेष जोर, मत्स्य और लाख पालन को कृषि का दर्जा, गांवों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान, ऐसी ही कई बड़ी घोषणाएं कर बतौर वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल ने बजट 2021 के जरिए गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। प्रदेश का जो 21वां बजट पेश हुआ वह तकरीबन 97,000 करोड़ रुपए का है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। भूपेश बघेल का तीसरा बजट कोरोना काल में पेश हुआ, ऐसे में इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देते हुए कई बड़ी योजनाएं शुरू करने की बात कही है। बजट से जुड़ी बड़ी बातों पर नजर डालें तो भूपेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देते हुए इसके लिए 171 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान किया है। वहीं गौठान योजना के लिए 175 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ ही भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की शुरुआत होगी, कोदो कुटकी रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा। भूपेश सरकार ने स्वच्छता दीदियों के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए उसे 6,000 रुपए कर दिया है। बजट में यह ऐलान भी हुआ कि तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु की सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने तीसरे बजट में बस्तर के सभी जिलों में बस्तर टाइगर बल का गठन करने का भी ऐलान किया। इसमें अंदरूनी इलाकों के युवाओं की भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त बजट में राम वनगमन पथ के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। देवगुड़ी के संरक्षण के लिए 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। आदिवासी संग्रहालय की गैलरी में जनजाति संस्कृति की प्रदर्शनी की जाएगी, इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम भूपेश ने अपने बजट भाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक परिषद का निर्माण होगा, कांकेर में नवीन बीएड कॉलेज खुलेगा, दुर्ग जिले के निकुंभ के अलावा भाटागांव महासमुंद में शासकीय विद्यालय खुलेगा। वहीं सड़क पुल पुलिया निर्माण के लिए 150 करोड़ का बजट है। प्रदेश में पुरातत्व विभाग के पृथक संचनालय का गठन होगा, नवा रायपुर में बोर्डिंग स्कूल संचालित होगा। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने अपनी बड़ी योजनाओं में से एक राजीव गांधी न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं फसल बीमा योजना के लिए 606 करोड़ रुपए, गौठान के लिए 175 करोड़ और कृषक समग्र विकास योजना में कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना के लिए 95 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भूपेश सरकार ने कोरोना काल में नए दशक का जो पहला बजट पेश किया है
वो कई मायनों में खास है। खैर देखते हैं कि यह बजट छत्तीसगढ़ को कितनी तेजी से आगे लेकर जाता है। साथ ही देखना यह भी होगा कि केंद्र से ज्यादा सहयोग न मिलने पर भूपेश सरकार किस तरह अपनी पुरानी और नई योजनाओं को शुरू करने के बाद उनका क्रियान्वयन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय। संजय जी, ओवर टू यू। धन्यवाद आपका। देखिए, आज हम ये बजट पर जो विशेष हमारा कार्यक्रम है, हमारी जो परिचर्चा है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि बजट पर जो आज बात होनी है, तो उस पर अगर ये बात एक राय बनाई जाए और एक प्रकार से इसे अगर निरपेक्ष भाव से देखा जाए, तो कुछ बातें होंगे जिस पर जरूर सवाल उठेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि अब ये बजट आ रहा है, तब वर्तमान में स्थितियां कैसी हैं, वर्तमान में किन हालात में ये बजट पेश किया गया है, और ऐसी कौन सी वजहें रही हैं जो कि इस बजट को इस स्वरूप में लाने के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से उसने विवश किया है। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जो कि इस चर्चा में शामिल करने जरूरी होंगे, क्योंकि ये बजट आम बजट एक कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से पेश किए जाने वाला बजट नहीं कहा जा सकता। पहले इसे समझना होगा कि जब सरकार ने काम करना शुरू किया, कांग्रेस की सरकार ने, तब का समय क्या था। तब एक पुरानी सरकार की, पिछली सरकार की पृष्ठभूमि थी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियां थी, जिस पर प्रदेश की नई सरकार ने अपने किए गए वायदों के हिसाब से एक मजबूत आधार रखने की कोशिश की कि वायदों को कैसे निभाया जाए, क्योंकि वायदे बहुत बड़े थे, इतने बड़े थे कि उन्हें निभा पाना माना जा रहा था। अर्थशास्त्री कहते थे, राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि बड़ा मुश्किल होगा। ये जब दौर शुरू हुआ, उसके बाद जब दूसरा बजट मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया, तब स्थिति कुछ ऐसी बनी उसके तुरंत बाद कि उस पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, विभीषिका की जो छाप थी, विभीषिका के जो हस्ताक्षर थे, वो आज भी स्पष्ट देखे जा रहे हैं। और आज जब तीसरा बजट पेश हुआ है, मुख्यमंत्री ने तीसरा बजट पेश किया है, तब कहीं ना कहीं इस बजट में ये देखा जा रहा है कि उस वैश्विक महामारी कट का देखने को मिल रही है। ज्यादा इसकी समीक्षा करेंगे अर्थशास्त्री, पक्ष विपक्ष के लोग और विभिन्न वर्गों से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बताएंगे कैसा था। लेकिन ये बताना काफी जरूरी था कि ये जो बजट है, उसे इस संदर्भ में जरूर देखा जाना चाहिए। तो हम इस चर्चा को अब शुरू करते हैं, और बजट की जो खासियत होती है, हद ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि छत्तीसगढ़ वासी लगातार वो मध्यम वर्ग हो चाहे वो नीचे स्तर का वर्ग हो, उन्हें सभी को लाभ मिलना चाहिए और सभी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने आज जब बजट पेश किया, तो सभी की उम्मीदों पर वो खरा उतरे। हर किसी को इस बजट में कुछ ना कुछ मिला, और जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि हर वर्ग को कुछ मिलना चाहिए, उसी तरह से इस बजट को बनाया गया। लेकिन जिस तरह से हमारे संपादक का कहना था छत्तीसगढ़ के, पहले जो सरकार थी उसकी जो कार्यशैली थी, उसकी जो योजनाएं थी, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी, जो क्रियान्वयन था, वो काफी डिफरेंट था, और अभी जो हालात हैं वो काफी अलग और जुदा है। क्योंकि जहां तक हर किसी को उम्मीद थी कि बजट कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना महामारी ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया, और शायद ये बजट भी, जो कि छत्तीसगढ़ का 21वां बजट है, उस पर भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये बजट बनाया गया, ये बजट पेश किया गया, और इस बजट में जो कुछ भी खजाना निकला, वो वाकई सभी के लिए था, और सभी के लिए इसमें खास योजनाएं थी। जिस तरह से अगर देखा जाए, जूट के बैग में रखकर ये बजट जो है, वो दस्तावेज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लाए थे, जिन्होंने ये पेश किया इस बजट पर। चलिए फिर से आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़। जी हाँ, बिल्कुल, आपने कहा कि जो बजट है, यदि हम इसको इस जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे, तो शायद इसका हम सही विश्लेषण नहीं कर। स्थिति का बिल्कुल मैं तरीके से बताना चाहूंगा कि
ये जो हमारी वर्तमान स्थिति रही राजनीतिक प्रभाव हमने देखा लोकतांत्रिक चरण में आ गया जो है एक थोड़ी सी जो गिरावट आई है वर्तमान की जो गिरावट आई है पर इसका कहीं ज्यादा प्रभाव बजट में आपको दिखेगा और इस रूप से दिखेगा कि सरकार को यदि इस वर्तमान वर्ष के लिए सरकार का ओन तक रेवेन्यू देखिए जो राज्य सरकार के लिए करती है उसमें लगभग जो है 3,605 करोड़ रुपए की गिरावट इस काल सरकार का और ये गिरावट बहुत ज्यादा है तो ये आपको इस वर्तमान स्थिति को दिखा रहे हैं दूसरी जो इससे प्रभाव पड़ा है कि सरकार की जो है केंद्र सरकार से जो रूप से राशि मिलती है जो कर है कर है उससे जो रिटर्न भी मिलता है और अनुदान भी मिलता है ये जो राशि केंद्र से जो मिलने वाली जो हमने बजट अनुमान लगाया था लगभग जो है 48,000 करोड़ था जिसमें टैक्स के रूप से 26,000 करोड़ था और 21,000 करोड़ जो अनुदान केंद्र से भी जो मिलने वाली राशि है उससे गिरावट दोनों से आप मिलाएं तो लगभग 11,000 करोड़ रुपए की गिरावट केंद्र से कर और जो है अनुदान के रूप से मिलने वाले थे उसमें गिरावट आई तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रभाव है जो असमान स्थिति का कितना प्रभाव बजट में रहा ये इसको दिखाता है इसको दूसरे तरीके से और भी देख सकते हैं इसका जो प्रभाव रहा कि यदि हम देखिए सरकार के खाते भी इसका प्रभाव रहा केंद्र सरकार का घाटा बढ़ा लगभग 9.5% केंद्र सरकार का घाटा हो गया तो राज्य सरकार ने भी इस वर्ष तो राज्य सरकार में भी इस वर्ष जो घाटा रहा वो लगभग उन्होंने 6.5% का हमारा फिस्कल डेफिसिट है और अगले साल इसको ये जो है 4.5% जो 21-22 का बजट है उसको 4.5% करना चाहते हैं। तो ये समग्र रूप से मैं ये बता रहा हूँ कि जो पहली जो बात थी कि इस परिप्रेक्ष्य में हम बजट को समझेंगे कि कितना ज्यादा प्रभाव ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी रुक गई कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसका ये कुल मिला के राजस्व पे प्रभाव पड़ा है। एक बात तो ये है। दूसरा यदि आप बजट के बारे में कोई टिप्पणी यदि चाहेंगे कि किस प्रकार का ये जो बजट प्रस्तुत किया गया क्या रहा तो निश्चित रूप से ये बजट के आकार पे इसका तो असर पड़ा है। लगभग हम अब 97,000 करोड़ का बजट होगा और इस साल का बजट हमने जो पुनरीक्षित किया उसमें लगभग 4,000 करोड़ की गिरावट आ गई उसके जो साइज ऑफ द बजट था। और तो ये जो हमने एलोकेशन किया है सरकार ने जो 97,000 करोड़ का एलोकेशन किया है और जो बार बार कहा गया मुख्यमंत्री जी ने कहा आज विधानसभा के अंदर कि पूरा बजट जो 6 बिंदु हैं 6 बिंदुओं पर उन्होंने कहा है जो हाइट उन्होंने कहा है तो मैं कहूंगा कि जो हाइट की जो इन्होंने जो बात बजट में कही है उसमें जो एच जो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है समग्र विकास है तो ये समग्र विकास यदि हम इस बजट के माध्यम से ये हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि ये सभी क्षेत्रों पे और सभी नागरिकों को यदि ये समग्र विकास का लाभ बजट पहुंचा पाता है तो ये एक चुनौती का काम होगा सामने फाइनेंस मिनिस्टर के। दूसरा जो एजुकेशन जो एक गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की बात है और एजुकेशन के माध्यम से जो बात कही गई कि हम सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की बात अपनी जो है जो अपनी जो स्पीच है जो अपना अभिभाषण है उसमें मुख्यमंत्री कह रहे थे उन्होंने बजट को पूरे एक हाइट में समेट दिया पूरी बजट अभी जो देखने को मिलता था जो कि विभाग बार बजट पेश होता था विभागों को मत दिए जाते थे अलग से और उसके बाद खत्म हो जाता था लेकिन हाइट HEIGHT और जैसा आपने कहा होलिस्टिक डेवलपमेंट फिर उन्होंने ई से एजुकेशन किया आई से फिर वो लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए तो उन्होंने एक तरीके से इन सारी चीजों में पूरे बजट को समेट दिया। मुख्य बात आपसे एक बात जरूर पूछूंगा लेकिन पहले यहाँ पर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं चंद्रशेखर साहू जी मैं आपसे पूछूं कि सर आपकी आखिर क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं और आपने भी सुना होगा जब मुख्यमंत्री ने सदन में बजट पेश किया। देखिए तीसरा बजट कोरोना कालखंड के ऐसे पैदान पर हुआ है जब पूरे देश में चिंता है कोरोना कालखंड खत्म नहीं हुआ है फिर से हमारे सामने संक्रमण की स्थिति दिखाई दे रही है तो हेल्थ सेक्टर हमारा एक सबसे बड़ा फोकस का सेक्टर रहा है और होना भी चाहिए लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के जो बजट है तीसरा बजट इसमें हेल्थ सेक्टर को लेकर जो सामने आया है हाईलाइट्स में भी है कोई ज्यादा कहीं कुछ प्रावधान हुआ नहीं है। सेंट्रल बजट में आप देख लें कि हेल्थ सेक्टर में 3 गुना वृद्धि हुई है। हमारी उम्मीद थी लोगों को भी उम्मीद थी कि कम से कम 2 गुना वृद्धि हेल्थ सेक्टर में होगा। आयुष्मान योजना से लेके वेलनेस सेंटर जो चल रहा है उसको लें डॉक्टर खूबचंद बघेल
जो इनका हेल्थ योजना है उसमें प्रावधान की बात कह लें, ये सारा बजट मौन है इस मामले में, क्योंकि अभी तो असली चुनौती हमारे जीवन के लिए है, जीवन की सुरक्षा के लिए है। और ऐसी स्थिति में जब ग्रामीण क्षेत्र हो, आदिवासी अंचल हो या शहरी क्षेत्र हो, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को आपको न केवल विस्तार देना है बल्कि उसको एक प्रकार से उसके एक गुणवत्ता में भी सुधार करना है, आपके हेल्थ की दृष्टि से भी जो टेक्नोलॉजी है उसका भी कैसे आप इस्तेमाल करें, इन सारे विषयों पर मुझे लगता है बजट मौन है। और जो बातें पहले कही गई उसका अधिकांश रिपीटेशंस है जी। और आपने जो भी प्रायोरिटी फिक्स किया है कृषि और ग्रामीण विकास, उसमें भी कई एक सेक्टर ऐसे हैं, जैसे 9 योजनाएं चल रही थी ग्रामीण विकास की, मैं चूंकि इसके पहले छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के तरफ से हम लोगों ने जो सिफारिशें की जिसको सरकार ने विधानसभा में अंगीकार किया है, उसमें साफ तौर पे कि स्थानीय निकाय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है PRIs है, उसके लिए आप जो उसके हक की राशि है उसको आप प्रावधानित करेंगे। टोटल बजट का 1,00,000 करोड़ है तो टोटल बजट का 8.5% आप पूरी तरीके से इन संस्थाओं को देंगे, ये हमारा सिफारिश रहा है। और इस सिफारिश को मैंने देखा है कि टोटल बजट का 4,000 करोड़ से अधिक राशि आपने इन संस्थाओं को समाहित करने की बात नहीं कही है, और वो उसको राशि को आप कहाँ करेंगे। फिर जो डिवोल्यूशन की बात आती है, 15th फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन आपको नहीं मिला, या GST की बात आ रही है, आपके आर्थिक सर्वेक्षण जो आज 2 दिन पहले आया है उसमें आपने जो गिरावट देखी है उसको फिलअप करने के लिए आपके आर्थिक स्रोत आप कैसे जुटाएंगे, ये जो घाटे का बजट आया है उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, ये भी प्रयास से पहल दिखना चाहिए था ऐसा मुझे लगता है। और कुल मिला के मैं यदि कहूं, भले आप विपक्ष की भाषा कह लें, लेकिन ये भटकाव का बजट है। भटकाव का बजट है सर। और भी सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा, मैं पहले और भी जो लोग हैं उनके पास से आऊंगा मैं, क्योंकि कुछ सरकार के भी कुछ आरोप हैं केंद्र पर, उन पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी जो बातें हो रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं अजय चंद्राकर जी, आपके पास तब आऊंगा जब पहले अमरजीत भगत जी आ जाएं, उनकी बात कर लूं, फिर आपकी भूमिका आती है कि दोनों के बीच आप कैसा संतुलन बनाते हैं या किसे सही पाते हैं। लेकिन कुणाल जी, सामाजिक क्षेत्र में आप लंबे समय तक रहे हैं, आपका लंबा अनुभव रहा है, ये जो बजट आया, जैसे मैंने शुरू में कुछ बातें कही कि इस बजट ने अभी भी वही आकार लेकर, मतलब आकार में वृद्धि तो नहीं हुई है, लेकिन कम से कम कोशिश ये की गई है कि बजट का वो आकार बना रहे। जाहिर तौर पर इसका मतलब ये है वो सारे काम जारी रखे गए हैं, उन कामों को में निरंतरता रखी गई है जो पहले चल रहे थे, वरना इस बजट का आकार छोटा होता जब सरकार सोच लेती कि इस काल में, इस कोरोना काल में अब काम नहीं हो सकते। तो आप जिस जो भी बातें हुई हैं उस पर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपकी राय। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस बात पे कोई भी अपने आप को ताली बजाने से नहीं रोक सकेगा कि जहां देश -23% जो है उसकी विकास दर जाती है, और वो जो छत्तीसगढ़ की जो अनुमानित विकास दर हमने जो सोची थी 5.32%, और हम जो ग्रोथ रेट प्राप्त करते हैं वह है 5.10%। ये वाकई काबिले तारीफ है, और ताली हमको, हम सबको इसमें बजाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस आर्थिक झंझावत में भी छत्तीसगढ़ को फंसने नहीं दिया, और आज हम छत्तीसगढ़ी इस चीज से बचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, इस बजट की अगर मैं बात करूं तो यह बजट किसानों का बजट है, यह बजट मजदूरों का बजट है, यह बजट सरगुजा और बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में जो अंतिम छोर में जो बैठा हुआ व्यक्ति दिखता है यह उसका बजट है। अगर मैं तेंदुपत्ता संग्राहकों की बात करूं तो यह उसके उनके लिए भी प्रावधान है। अगर मैं स्वच्छता दीदी की बात करूं तो उनका मानदेय बढ़ा दिया जाता है। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो 119 इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उसको नए स्कूल खोले जाने की बात है। हम देखते थे कि जब हम बैंगलोर जाते थे, जब हम बॉम्बे जाते थे, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ी बच्चे हैं अंग्रेजी में हमको पिछड़ते दिखते थे। इस बात से शायद यहां मौजूद सभी लोग सहमत थे। तो सरकार का ध्यान अब छत्तीसगढ़ी बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दीक्षा दिए जाने में भी दिखता है। सरकार
नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है सरकार। दुर्ग का जो एक मेडिकल कॉलेज था, निजी मेडिकल कॉलेज था, उसका सरकारीकरण करने जा रही है। तो देखिए, ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि घाटे की भरपाई की बात नहीं हो रही है। तो देखिए, हमने तो घाटे की भरपाई जो है सरकार की संपत्तियों को बेच के भी किए जाते केंद्र सरकार को देखा, जिस प्रकार से देश की संपत्तियां बेच के सरकार घाटे की भरपाई कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति है उसको दिए जाने की बात थी, वो छत्तीसगढ़ियों को हक था, वह क्यों नहीं दिया जा रहा है? वह हमारा पैसा है, वो हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में उससे विकास किए जाने का जो पैसा है उसको तक केंद्र सरकार रोक रही है। किसानों का जो हक दिए जाने की बात थी, धान खरीदी आज हम करें। देखिए, अन्नदाता अगर खुश है तो सारा देश खुशहाल है, यह हम नहीं, आज सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो अगर अन्नदाता केंद्र सरकार से रूठा हुआ है, छत्तीसगढ़ में अन्नदाता खुश है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। अगर मैं देखूंगा तो हाँ, मुझे जो सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात ये लगी कि जो आपसे मैं पूछता हूँ, लेकिन अन्नदाता बगल में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, तो पहले उनसे मैं पूछ लूं, क्या आप खुश हैं? सही में खुश हैं आप? कुछ मामले में खुश है जी। और अच्छा, ये भी थोड़ा बताइएगा, जो भूमिहीन किसान है उनके लिए सरकार ने कुछ सोचा है? जो भूमिहीन किसान है उनको भी सरकार जो न्याय योजना है, नवी न्याय योजना है, उससे जोड़ने जा रही है, तो कुछ इसका फायदा होता आप लोग को दिख रहा है? अभी तक तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगा कि उस योजना का लाभ न पूर्व में दिया है न आज नहीं। हम अभी कुछ दिन पहले नगरी प्रशासन मंत्री से मिले हैं इस संबंध में। मैं जिस क्षेत्र से हूँ, नया रायपुर से, वहाँ पर जो जिसकी जमीन नहीं है उन व्यक्तियों के बारे में सरकार 2 साल से अधिक समय हो गया है, उस पर कोई चिंता नहीं है। आज अच्छी बात है, इस पहल को यदि आगे लेके जाए और संभावना हम मान के चले, यदि योजना लाया है तो उसको क्रियान्वयन करे। हम 2 दिन पहले मंत्री जी से मिल के आए हैं इस संबंध में जी। तो आशा करते हैं कि इस योजना का लाभ सारे लोगों को, भूमिहीन किसानों को मिले, भूमिहीन व्यक्तियों को मिले। नया रायपुर में आज कुछ तो है जिससे आप खुश हैं, कुछ तो है जिससे आप नाराज हैं। किससे खुश हैं, किससे नाराज हैं? नहीं, मैं नाराज इस बात से हूँ, ये छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल नया रायपुर है। नया रायपुर के रहवासियों को 2006 में पूर्ववर्ती सरकार ने आदर्श पुनर्वास योजना जो लाया है, मतलब क्या बोलना चाहिए, पुनर्वास का जो योजना, उसका क्रियान्वयन न पूर्व सरकार ने किया न वर्तमान सरकार। 2 साल से अधिक समय हो चुका है, सरकार इस पर कोई पहल की बात नहीं है, ये बड़ी विडंबना है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये राजीव न्याय योजना का लाभ संपूर्ण किसानों को सभी उत्पादों पर मिलना चाहिए, वो योजना नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार ने 14 क्विंटल 80 किलो पर जो 10,000 समथिंग न्याय योजना, राजीव न्याय योजना तहत दिया जा रहा है, यहीं पर बीज उत्पादक जो किसान है 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ दिया जाता है, उनको इस योजना से वंचित किया गया है वर्तमान अभी सरकार जो है। तो इसकी नाराजगी सारे बीज उत्पादक किसानों का तो है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कड़ी में आया है, कहना चाहिए कि दुर्घटना जन्य से मीडिया वालों का, पत्रकार वालों का यदि होता है तो इस पर किसानों पर भी इस योजना का लाभ सरकार को इस बजट में लाना। आप लोगों को बहुत मिल रहा है सर, कुछ तो हमको मिलने दीजिए, बहुत कुछ मिलने दीजिए, आप सब आप लोगों को ही मिल रहा है कुछ कुछ जी 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 जी। शिक्षा की भी बात चल रही थी फैजल साहब, तो ये जो अभी जैसा कुणाल जी भी जिक्र कर रहे थे बजट में भी था, मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में भी इसका बराबर जिक्र था कि शुरू से वो कह रहे थे कि मॉडल के रूप में पहले जो स्कूल हैं वो विकसित किए जाएंगे, 3 स्कूल जो थे इंग्लिश मीडियम के वो शुरू किए गए, और उसके बाद अभी 100 जैसी विषम स्थिति थी, पढ़ई तुहर द्वार ये एक पोर्टल शुरू हुआ, योजना शुरू हुई, और उसमें सरकार ने कुछ करने की कोशिश की जिसे कि राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। शिक्षाविद होने के नाते इस बजट में शिक्षा से जुड़ी चीजें, प्रावधान और जो सरकार की मंशा है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, क्या लगता है? नो डाउट, लाइक इट इज लाइक कोरोना काल में जब सबके हाथ बंद हैं तो बंद हाथों से भी काफी खुला बजट दिया है।
ट्रांसफॉर्मेशन की जब तक बात, जैसे इसमें जो फोकस है वो एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इस पर है डेफिनेटली. क्योंकि देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो एजुकेशन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू कर रहे हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलेगा, और वो जनरेशन जब आएगी जो बेहतर एजुकेशन लेगी तो डेफिनेटली उनका स्किल, उनका विजन, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड डिफरेंट होगा. और सबसे बड़ी चीज जो होती है दुनिया में वो है ह्यूमन. तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स, हमारा हीरे मत तराशिए, ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स होता है. अगर ह्यूमन रिसोर्स को अगर आप तराशते हो तो डेफिनेटली वो रिटर्न बहुत बड़ा देगा आगे में जाके. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जैसे कि इतना हाइट है तो इसका विड्थ भी अच्छा होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक सही समय पर चीजें पहुंच जाए तो शायद ग्रोथ बेहतर होगा. तो मुझे लगता है कि ये. और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो एक प्राइवेट कॉलेज को जो उन्होंने गवर्नमेंट कर दिया वो बहुत बड़ा विजन है इनका, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब कुछ आउटसोर्स थोड़ी करना है. तो ये बड़ी बात है कि ये डायमेंशन बताता है कि आपने सरकार पर भरोसा होगा. जब शिक्षा सरकार चलाएगी और बेटर शिक्षा चलाएगी तो डेफिनेटली लोगों को फायदा होगा, लोगों का सेविंग होगा, क्योंकि प्राइवेट तो ना आउटपुट दे पा रहे हैं, वो तो लूट रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी तो सेविंग है. तो इस बजट के जो डायमेंशन है उसमें से जो इन्होंने खर्च किए हैं उनमें से बहुत जगह से ऐसे पॉकेट, ऐसे रिसोर्सेज छोटे छोटे मिल रहे हैं जहां पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि बेहतर रिटर्न मिलेंगे. कैसा मानते हैं इस बजट को? नहीं, इट इज गुड. लेकिन मैं बोला कि मैं तो बोलता हूँ कि इस जमाने में क्योंकि रिटेन भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है. तो अभी तो कोई खास उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इट इज अ वेरी रोरिंग बजट. ओके, साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी, जिस तरीके से बात हो रही थी मैं कहा था कि आपके पास फिर से लौटूंगा मैं. बात देखिए हो रही थी कि अभी आप कह रहे थे कि बहुत से सेक्टर्स हैं जैसे कि मेडिकल का है, चिकित्सा का क्षेत्र है, जहां पर कि कोई बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं किया गया है. लेकिन ये कहना है सरकार का कि ये प्रावधान तो तब से ही लगातार किए जा रहे हैं जब से ये महासंकट का दौर शुरू हुआ था. उस समय ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया तो वो जो है वो निरंतरता अभी भी बनी हुई है और लगातार आवश्यकता के अनुरूप वो प्रावधान किए जा रहे हैं, क्योंकि एकमुश्त वाली बात नहीं थी. तब भी आईसीयू सेंटर्स जब थे शुरुआती कितने हुआ करते थे, 15-20-30, अब वो 400-450 के ऊपर हो गए हैं. ऐसे और भी सेंटर्स बनाए गए, ऐसी और भी मेडिकल सुविधाएं जनरेट की गई. एक बड़ा आरोप है जैसा कि लगातार मैं देख रहा था कि सत्ता पक्ष के लोग जो थे वो लगातार ये कह रहे थे कि इस काल में भी केंद्र ने 18,000 करोड़ से अधिक की राशि रोक रखी है, चाहे वो जीएसटी से जुड़ा हो या फिर अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हो. अगर वो भी पैसे मिलते तो जरूर बजट में कुछ और तारे जुड़े होते. देखिए कोई रोकने वाली बात है नहीं, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है, कौन रोकेगा भाई जी. उसको रोकने का प्रश्न ही नहीं है, डायलॉग की बात है. आपको डायलॉग करना है, आपकी डिप्लोमेटिक जो भी आपके प्रोसेस है उसको अपनाना है, संवाद रखना है, उसके बाद फिर आपको लेना है. फेडरल स्ट्रक्चर में किसी को रोकने या किसी को अतिरिक्त देने का जो विषय है मुझे लगता है ये बहुत हाइपोथेटिकल है. फिर जो आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, 3 मेडिकल कॉलेज नए प्रस्तावित हुए हैं, अच्छी बात है. एक मेडिकल कॉलेज को आप अधिग्रहण कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं, वो भी ठीक. लेकिन जो हेल्थ का पैरामीटर है कि प्रति 1,000 आबादी के पीछे आपके नर्सिंग स्टाफ कितना है, आपकी अस्पताल की सुविधाएं कितनी है, आपकी दवाइयों की उपलब्धता कितनी है, कहाँ कहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं. मलेरिया जैसे बीमारी आदिवासी अंचल में, खासकर बस्तर में, बहुत बड़े पैमाने पर होते रहा है. सरकार की ओर से कहा गया था कि हम मलेरिया उन्मूलन के लिए बहुत सारे विषय लाएंगे, बहुत कुछ काम करेंगे, लेकिन वो अभी भी मुझे लगता है इस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जो बात दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही. जी, एक बात और है, क्योंकि यहाँ पर कैट से बैठे हुए हैं, आपने हड़ताल की थी, मेरे ख्याल से राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी वो, आप लोग हड़ताल में गए थे और जीएसटी ही बड़ा इशू था जिस पर की लगातार बात हो रही है और लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर जीएसटी में इतने समय में, इतनी अवधि में इतने संशोधन करने पड़ गए, मतलब लगातार खामियां सामने आ रही है, आप लोग का ये कहना है. तो आप देखिए इससे थोड़ा कंपेयर कीजिए इस बजट को, जो आप लोग को परेशानियां हो रही हैं, किस रूप में पाते हैं इस बजट को, और एक बार इससे जीएसटी से जरा जोड़िएगा इसे. देखिए जीएसटी में हम लोग का जो भारत बंद कॉल किया गया था वो सबसे बड़ी चीज थी कि उसका सरलीकरण. हम लोग करारोपण के लिए कहीं बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज कंप्लायंसेस इतने ज्यादा खराब है कि दो दो आदमी कंप्लायंसेस में लगते हैं कि उसकी
खाना पूर्ति में लगते हैं। तो एक मध्यम व्यापारी जिसके पास संसाधनों की कमी रहती है वो कंप्लायंसेस दूर करे या व्यापार दूर करे, उसके व्यापार पे इफेक्ट आ रहा है, इसका व्यापार का इफेक्ट है। इसलिए हम जीएसटी के लिए खाली ध्यान आकर्षण के लिए भारत बंद किए थे और हम सोच रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री इस पे ध्यान दे के कम से कम इसका सरलीकरण करें, क्योंकि प्रावधान जो अभी नए नए प्रावधान आ रहे हैं वो ट्रांसपोर्टर के लिए, एक व्यापारी के लिए ये बहुत दुविधाजनक है। ट्रांसपोर्टर को जो पहले 100 किलोमीटर था, 200 किलोमीटर पे अगर वो नहीं पहुंच पाया तो उसको बहुत ज्यादा ड्यूटी है। व्यापारी का एक तरफ से कभी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना, ये सब चीजें थी, इसलिए हमने इसको भारत बंद का आह्वान किया था। जी अमरजीत भगत जी पहुंच चुके हैं, प्रदेश के खाद्य मंत्री हैं और वो अब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हालांकि काफी देर से इनका इंतजार किया जा रहा था। अमरजीत जी खाद्य मंत्री हैं प्रदेश के, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, यही बताइएगा मंत्री जी आते ही पहले सांस ले लीजिए कि पूछ लूं? पूछ लें, पूछ लें, लेट फीस जी। देखिए मुख्य रूप से ये बताइए कि देखिए ये जो बजट आया है तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि बजट पे आप प्रतिक्रिया दीजिए, आप ये बताइए कि इस बजट में कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, जितने भी प्रकार के वायदे किए थे जनता से, उसका कितना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? देखिए इस बजट का नाम ही दिया गया है हाइट्स। हाइट्स का मतलब है कि उसका अलग अलग व्याख्यान करके बताया गया है उस। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं समावेशी बजट है। इसमें सभी जहां पर हम प्राकृतिक आपदा से जूझते हुए उन तमाम दिक्कतों को काटते हुए निकले हैं और आर्थिक गतिविधि को विकास के लिए के रास्ते पटरी पर लाए हैं और नई हाइट्स तक ले जाने की गढ़ नया छत्तीसगढ़ का जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए बजट लाया गया है। 105,213 करोड़ का जो बजट है, इसका आप ज्यादातर देखेंगे तो सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में, पूंजीगत व्यय के लिए एवं आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए, सभी के लिए जिस प्रकार से इसका प्लान किया गया है, आप देखेंगे कि कुल आय जो हमारा अनुमानित है 97,145 करोड़, उसमें कुल व्यय हो रहा है 97,106 करोड़ और राजकोषीय घाटा 13,461 करोड़ का है। क्षेत्रवार व्यय करेंगे तो राजस्व व्यय में 83,000 करोड़ का अनुमान यानी 85.50% का, पूंजीगत व्यय में है 13,839% यानी 14.5% का। इसी प्रकार अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे तो स्कूल शिक्षा में 15.9%, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में 2.4% और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5.9%, महिला एवं बाल विकास में 2.3%। वहीं पर आर्थिक क्षेत्र में वे देखेंगे तो नागरिक एवं आपूर्ति निगम में 5%, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 9%, लोक निर्माण में 6.5%, सिंचाई में 2.9%। इस प्रकार से सभी क्षेत्रों को समान रूप से तुलनात्मक आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधि के साथ विकास को और क्षेत्र की संतुलन को भी ध्यान में रखते हुए किया गया है, जहां पर बस्तर एक ओर है और दूसरी ओर सरगुजा है, सरगुजा के अंतिम छोर बलरामपुर तक का आप देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं पर आप हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति क्षेत्र में आप उस देखेंगे मध्य प्रदेश के में के भारत भवन के तर्ज पर यहाँ पर रायपुर में छत्तीसगढ़ से एक नया रायपुर में बहुआयामी आर्ट प्रैक्टिस थिएटर
सिरेमिक वर्कशॉप, ऑडिटोरियम, लोक कला संस्कृति, संगीत एवं नृत्य, लाइब्रेरी आदि ये जो बनाया जा रहा है ये बहुत आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं अभी अभिलेखागार बनाया जा रहा है, मानव संग्रहालय बनाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री जो लोक कला एवं नृत्यों का संरक्षण यहाँ पर होगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इसका डिजिटलाइजेशन होगा, लोक कला नृत्य एवं मंचन कार्यक्रम को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से विवेकानंद जी के स्मृति में विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थान की स्थापना किया जा रहा है। यहाँ पर फिल्म सिटी का जब निर्माण होगा तो हॉलीवुड, छालीवुड सभी प्रकार की यहाँ फिल्में बनेंगी, लोगों के लिए अवसर मिलेगा। तो एक तरह से हम देखा जाए तो यहाँ का जो बजट है वो छत्तीसगढ़ को एक नई हाइट्स देने के लिए, पहचान स्थापित करने के लिए और विकास के कार्य को ट्रैक पर लाने के लिए काम लाया गया है बजट। जी, बार बार ये बात हो रही है मंत्री जी कि जो कोरोना काल रहा है उसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है बजट पर। जाहिर तौर पर पूरा विश्व से प्रभावित था कोरोना काल में, जो छत्तीसगढ़ में हुआ जैसी विभीषिका छत्तीसगढ़ ने देखी, पूरे विश्व ने देखी ये विभीषिका, पूरे देश ने देखी, लेकिन छत्तीसगढ़ बावजूद इसके कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की जो तालिका मैंने देखी कि अन्य राज्यों की तुलना में और जो राष्ट्रीय औसत है, जो राष्ट्र का औसत है, उस पर छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम किया, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उससे काम किया। औसत में मैं देख रहा था कि जहां केंद्र का जो औसत आता है, जो कि प्रति व्यक्ति आय में जो गिरावट आई है, जो राज्य का औसत है, जो जीडीपी का औसत है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का औसत है, इसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि देखिए परेशानियां तो दोनों ओर बराबर थी। देखिए जीएसडीपी का हम देखें तो 2020-21 में जहां पर 3,50,270 करोड़ अनुमानित था, वहीं 19-20 में जीएसडीपी 3,44,955 करोड़। इस वर्ष जीएसडीपी में जो विकास दर 1.54% अनुमानित है, छत्तीसगढ़ एवं भारत के जीएसडीपी दर का स्थिर भाव में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें देखेंगे तो 2020-21 में जहां पर छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी -1.77% रहा, वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर -7.73% रहा। राष्ट्रीय तुलना में भी हमारा जो प्रदर्शन था वो बेहतर था। जीएसडीपी के विकास दरों के भाव में आप देखेंगे 2011-12 की जो तुलनात्मक विवरण है उसके अनुसार कृषि के क्षेत्र में हमारा जो ग्रोथ था वो 4.61% का और राष्ट्रीय ग्रोथ जो था वो 3.38%, इसमें भी हमारा प्रदर्शन बेहतर है। औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर -5.28% छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन रहा, वहीं राष्ट्रीय स्तर का जो मानक है वो -9.57, इसमें भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। सेवा क्षेत्र में 0.75%, जबकि राष्ट्रीय औसत अगर आप देखेंगे तो इसमें -8.77%। तो इसमें भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अच्छा रहा है। और कृषि के क्षेत्र में 17.64% का हमारा वृद्धि रहा, वहीं पर भारत स्तर पर हम देखेंगे नेशनल लेवल पे तो इनका 16.32% रहा। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा जो प्रदर्शन रहा वो 46.43% रहा और राष्ट्रीय स्तर पर 29.43% रहा। तो इसमें भी हमारा प्रदर्शन बेहतर है। सेवा क्षेत्र में 35.93%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इनका जो प्रदर्शन रहा वो 54.25%। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय और घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों का हम वो करेंगे तो इस बार प्रति व्यक्ति आय 1,04,943 रुपया आया, जो भारत सरकार का राष्ट्रीय स्तर पे हो 1,26,968। तो इसमें हमारा जो कमी आया है माइनस
0.14% का, जबकि सेंट्रल का जो कमी आया है सेंट्रल में वो -5.41% का है। तो इसमें भी तुलनात्मक रूप से हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है जी। अब जाहिर तौर पर बारी आपकी आती है साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ अजय चंद्राकर जी, आप बताइए, आपने सुना, आपने पूर्व मंत्री जी को भी सुना और मंत्री जी भी बता रहे थे, क्या लगता है आपको? सवाल भाई जी, नहीं विश्लेषक साहब बैठे हैं पहले, बिल्कुल आपसे पूछ लिया, सुनिए सर जी, आपसे मैं पूछ लिया, मंत्री से पूछ लिया पहले पहले जी जी जी, भगत जी ने ऐसा लगा कि विधानसभा में वो बजट भाषण पढ़ रहे हैं। अगली फैक्ट करते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में आप छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बजट पेश करें, हमारी शुभकामनाएं पूरे सदन की ओर से। जी जी चंद्राकर जी, बिल्कुल उपाध्याय जी, मंत्री जी अपना पक्ष रखे और पूर्व मंत्री जी भी, आदरणीय अर्थशास्त्री साहब भी, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि ठीक है भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 48% का उसका योगदान है, लेकिन एवरेज अभी 17.74% का जिक्र किए मंत्री जी, और निश्चित रूप से ये जो बजट है प्रतिकूल माहौल में विश्व से लेकर के नेशनल स्तर तक, नेशनल स्तर से लेकर के समस्त प्रदेशों तक जो डिक्लाइन हम देख रहे हैं, और संजय जी हमें ये याद रखना है जिस बजट की हम चर्चा कर रिजल्ट आना अभी बाकी है, क्योंकि पिछले सप्ताह ही तीसरा क्वार्टर आया सेंट्रल गवर्नमेंट का और चौथे क्वार्टर के ऊपर जनवरी का और फरवरी का रिजल्ट देख करके ये कहा जा रहा है कि वो विकास दर अब स्टेबल हो रही है। तो मंत्री जी जो अपना पक्ष रखे, जो बेस्ट गुंजाइश हो सकता था, सिकुड़ चुका है अर्थव्यवस्था, माइनस है वित्तीय घाटा, साथ ही साथ जीडीपी भी माइनस है जो आर्थिक सर्वे में कहा गया, लेकिन अब प्रश्न ये आ रहा है कि किसी भी प्रदेश के लिए जब तक सर्विस सेक्टर बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा, और दूसरी बात है यहां पर उद्योग का सेक्टर 5.28% हम निचले सीढ़ी में है अभी, तो छत्तीसगढ़ के लिए चैलेंज आ रही है। अब इनको सर्वाइव करना है तो दो चीज है, एक है लॉजिस्टिक क्षेत्र में और दूसरा आता है एनर्जी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के मसले के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात की गई आम नागरिकों के लिए, उद्योग जगत को इसकी तत्काल आवश्यकता है। अब जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है ये पूरा कंट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इससे आच्छादित है कि 12,00,000 करोड़ का तो लोन केंद्रीय गवर्नमेंट ले चुकी और अभी 80,000 करोड़ के लिए फिर गई, तो भारत में जो बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, LIC है, ये उस लोन के लिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो भारत सरकार के साख के बॉन्ड को डिनाई कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक उनसे संवाद किए, बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले अब तो महंगाई बढ़ने वाली है, अब महंगाई बढ़ेगी तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और जब केंद्रीय सरकार के साथ ऐसा है फिर आने वाले सेशन के लिए फिर लॉट ऑफ मनी उनको इसी तरह से अरेंज करना है, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा वित्तीय संस्थाएं ऊंचे दर पर क्या देंगे, लोन देंगी, और हम 20% में पहुंच चुके हैं, 25% हमारा लिमिटेशन है, तो ये चैलेंज है जी, निश्चित रूप से देखिए ये चैलेंज है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी ऐसा कह रहे थे कि वो अभी 20% की लिमिट तक पहुंचे हैं, अन्य राज्य हैं जो कि 24, 26, 29 तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, उत्तर प्रदेश का भी कहा उन्होंने कि 29% तो लगभग वो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन उनके पास अभी भी स्पेस है, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है। आप थोड़ा सा संक्षेप में बताइए, संक्षेप में अपनी बात समेटिए। देखिए मुख्यमंत्री जी जो टैक्स नहीं लगाए वो चाहते तो वेट के ऊपर लगा सकते थे, उनके पास सबसे बड़ा रिसोर्स राजस्व जनरेट करने का एक ब्रांच है तो वो वेट है, क्योंकि हम अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना करते हैं तो वो परिवहन चेक पोस्ट के ऊपर जो कि नॉमिनल है,
या सबसे अच्छी बात मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम अपना एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कम करेंगे, मितवैता बरतेंगे। अगर ये आर्थिक अनुशासन आ जाए और इसका रिजल्ट दिख रहा है बजट में, हम जैसे जैसे परत में जा रहे हैं, पिछले साल का मनरेगा का बजट इस साल के मनरेगा के बजट में अंतर है, जो राउंड फिगर 2500 करोड़ था वो 1600+ है। तो इन सब दृष्टिकोणों से देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी कार्य में अलग है, लेकिन आर्थिक अनुशासन की आवश्यकता है और उस वह इस बजट में दिख रहा है। जी मंत्री जी, एक बात जो बार बार सामने आ रही थी, अभी आप होके आए हैं, दिल्ली होके आए हैं आप थे और कृषि मंत्री थे, मुख्यमंत्री के साथ थे, आप लोग पहुंचे थे और आपने फिर से चर्चा की थी पीयूष गोयल जी से। तो देखिए, मुख्य रूप से बात यह थी कि आपने कोरोना काल में ही इतनी बड़ी खरीदी कर ली, कोरोना काल में आपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए पिछली सरकारों के, आपने 92 लाख मेट्रिक टन की आपने धान की खरीदी कर ली, और उसके बाद अब जो पूरा मामला फंसा हुआ है वो सेंट्रल पूल का मामला। बात इसलिए कर रहा हूं कि बात आर्थिक जो बोझ सरकार पर पड़ रहा है उसे लेकर है, चर्चा इसकी भी है कि अगर केंद्र नहीं लेता है वो धान जो आपने उपार्जित किया है, तो ये पूरा जो कहीं ना कहीं एक दबाव होगा वो प्रदेश के ऊपर होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर होगा। तो इसमें बताइए कि बात कहां अटक गई है और आखिर केंद्र क्यों बार बार मना कर रहा है, बार बार आप बोल रहे हैं, बार बार आप मिल रहे हैं, बार बार चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो यहां 80% से ऊपर लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, और कोई भी योजना आप जब इसको लेकर के बनाते हैं जिसमें आपके बहुतायत संख्या जो 80% के लोग कवर होते हैं, तो निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में जो भी एक्टिविटीज होगा उसका असर सीधे यहाँ के बाजार पर पड़ेगा। अगर छत्तीसगढ़ में 80% लोगों को लेकर के उनके उत्पादन को खरीदने का काम इस सरकार कर रही है, तो आज आप देखेंगे कि 92 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी किया जा चुका है और उसका लगभग लोगों को 17,000 करोड़ उनके खाते में, सीधे किसानों के खाते में गया है। वो पैसा आखिर कहाँ जाएगा? वो पैसा बाजार में ही आएगा, यहाँ लोगों के चाहे किराना दुकान से लेकर के ऑटोमोबाइल्स की दुकान से लेकर के और विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा और बाजार यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट उसका होगा, एक रौनक रहेगा। तो अब फंसा केंद्र और राज्य के बीच का, भारत सरकार को जो नीति है उसके अनुसार कि जो भी एमएसपी में धान खरीदेगा, जो शासकीय मूल्य में धान खरीदेगा, उसका पूरा चावल सेंट्रल पूल में लेने का उसमें प्रावधान है। पिछली दफा जब 2500 रुपया क्विंटल में खरीदी किया गया था, उस समय ये बात आई कि आप एमएसपी में खरीदी करिए तब हम आपका लेंगे। इस वर्ष एमएसपी में खरीदी किया गया और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का अभी शुरुआत नहीं किया है, आगे करेंगे वो अलग बात है। इस अनुमान को कि आप बोनस दे रहे हो किसानों को, हम आपका चावल नहीं लेंगे, नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आर्थिक भार आएगा और इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है कि हम हमारा जो कमिटमेंट किसानों के साथ है उसका पूरा करेंगे और हम किसी भी स्थिति में किसानों को, छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। जी निश्चित रूप से, और भी कुछ सवाल हैं मंत्री जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी कुछ और भी बातें करनी है, बात कर लूँ उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। कुणाल जी, एक बात आपसे, एक बात रह गई है आपसे भी पूछूंगा। कुणाल जी, आप कुछ बता रहे थे, आपकी बात अधूरी छूट गई थी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा था कि देश में जो गांधी का सपना था, गांधी का सपना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भारत का सपना था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी के उस सपने को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भारत के जो सपने को साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें भी जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भारत की बात की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बजट में उन्होंने प्रावधान किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जो है औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु एक विशेष प्रबंध इसमें किया गया है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होते थे
अब ग्रामीण इलाकों में भी इंडस्ट्रियल एरिया खोले जाएंगे, अभी तक हम शहरों के आसपास ही सुनते थे। तो देखिए अभी तक सरकार को जो विपक्ष घेरा करता था कि सिर्फ किसानों की बात हो रही है, परंतु आप देखेंगे कि मजदूरों की भी बात हो रही है, इसमें ग्रामीण जो छत्तीसगढ़ है उसके औद्योगिकरण की भी बात हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे दिखी जो असंगठित कामगार हैं, जो हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने एक हेल्प डेस्क शुरू किया, और इस कड़ी का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे शोषित पीड़ित वर्ग वही है, वह हड़ताल नहीं कर सकता, वह अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, तो मुख्यमंत्री ने उनके बारे में भी सोचा है, जो छत्तीसगढ़ का असंगठित मजदूर है, जो डोमेस्टिक हेल्पर है, जो हमारे घरों में महिलाएं काम करती हैं, जो बर्तन मांजती हैं, बर्तन धोती हैं, उन महिलाओं के लिए भी अब हेल्प डेस्क है, तो यह स्वागत योग्य बात है, और इसमें भी मैं समझता हूं आप सभी को तालियां बजाना चाहिए। निश्चित रूप से मंत्री जी, एक बात अभी चल रही थी, चर्चा बीच में आई थी, और कुछ लोग कह भी रहे थे कि अगर इस विपरीत हालात में सरकार अगर चाहती तो ये जो बजट आज पेश हुआ है तो इसमें आप वेट बढ़ाकर सेस लगाकर कुछ आमदनी कर सकते थे, कुछ आय अर्जित कर सकते थे, लेकिन इस बजट में किसी प्रकार का कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया गया। देखिए सरकार अपने बजट के भाषण में भी, उसका परिभाषा में ही, इंट्रोडक्शन में ही कहा है कि हम विपरीत परिस्थिति में उसका सामना करते हुए जो राष्ट्रीय आपदा आया था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा था, जिससे हमने बड़े बहादुरी के साथ संघर्ष करते उससे निकला है, और विकास की जो रफ्तार है उसको हमने पटरी पे लाया है, एक तरह से हमने इसको समावेशी बजट कह रहे हैं, हम किसी भी प्रकार से लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते हैं, सीमित संसाधन में और वित्तीय अनुशासन के साथ हम विकास के जो रफ्तार है उसको ट्रैक पे आगे ले जाना चाहते हैं। जब ऐसे समय में लोगों को मदद की दरकार हो, हम अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर टैक्स ला दें, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि उन्होंने प्रदेश के लोगों के ऊपर किसी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स नहीं लादा है, बावजूद इसके कि विकास के जो हमारे पैमाने हैं और जो योजना है उसमें सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखा गया है, और अनुमान किया जाता है कि छत्तीसगढ़ को इससे नया हाइट्स मिलेगा। ब्रह्मेश जी, एक बात इस बजट में देखने को मिली है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि कोशिश ये की गई है कि बजट का जो आकार था वो बढ़ा तो नहीं है, लेकिन बजट का आकार कम से कम वो रखा गया है जो पहले था, तो इससे ये पता चलता है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से पूछा भी तो उन्होंने कहा भी कि कोशिश ये थी कि जो योजनाएं चल रही हैं, जो पहले का बजट हुआ करता था उस काल में प्रदेश छत्तीसगढ़ मेरे ख्याल से कुछ ऐसे चुनिंदा राज्यों में से था, या फिर हो सकता है अकेला भी हो, जिसने अपने कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की थी, इस प्रकार की कोई कटौती नहीं थी, विभागवार कुछ बजट में जरूर कटौती थी, लेकिन अब जब वही है आकार, वही काम है, वही योजनाएं हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस बजट को पिछले काम की निरंतरता बनाए रखने वाला बजट देखा जाए, पहले कोशिश ये की जाए कि विषम हालात से तो पहले बाहर निकले। निश्चित रूप से ये बात तो है, जो है कुछ इसमें तो वो निरंतरता तो बनी हुई है, पर इसके साथ कुछ जो है नई जो बातें हैं इसमें, और खासकर मैं कहूंगा कि बजट की जो घोषणाएं हैं और जो उनका जो आकार होता है, उसके अलावा कुछ इन्होंने ऐसे सिग्नल दिए हैं कि जो जिसे कहें कि जो स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, जो एक बात खासकर दो बात मैं यहाँ इसमें मेंशन करूंगा कि एक तो बात कही गई कि जो है ग्रामीण जो आपके इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना है, और उसके साथ एक जो सी मार्ट की बात कही गई है कि एक जो ब्रांडिंग की जानी है छत्तीसगढ़ तो ये एक बड़ी अभिनव योजना यहाँ की है सी मार्ट की स्थापित करने की, और मैं ये कहूंगा कि लास्ट जो बात है जो कही गई है उसमें जो हाइट की जो लास्ट पार्ट जो थी लास्ट कहा गया था उसको मुख्यमंत्री जी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में कह रहे थे, उन्होंने बदलाव कराया, तो ट्रांसफॉर्मेशन का यदि आप शाब्दिक लें तो इस रूप
रूपांतरण रूपांतरण ये है कि आप जो इकॉनमी है छत्तीसगढ़ की, हाउ यू ट्रांसफॉर्म इकॉनमी फ्रॉम ए जो है एक जो विकास की जिसे जो एक जहाँ पर कहें कि जल्दी इकॉनमी है उसको आप राज्य के विकसित राज्यों में कटेंगे, तो आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपनी इकॉनमी को, एक जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसको विकसित, विकासशील अर्थव्यवस्था है उसके विकसित बनाने के लिए। तो ये जो प्रोविजन है इसमें ये बहुत मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण होंगे, यदि इनका आप यदि इसके लाभ मिल पाते हैं उस तरीके से और आप यदि वैल्यू एडिशन कर पाते हैं खासकर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और जो सी मार्ट की जो प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए। जी मंत्री जी, ये लास्ट कमेंट है, अब समय पूरा हो रहा है, अंतिम बताइए कि आप सरकार के ही हिस्सा हैं, सरकार का ही एक पार्ट है आप, इस बजट में क्या ऐसा ईमानदारी से बताइएगा कि कुछ कमी रह गई है जिसे पूरा करना चाहते थे? देखिए आप कोई भी योजना बनाते हैं तो आपके पास योजना तो बहुत हो सकता है लेकिन उसके लिए आपके पास प्राप्तियां क्या है, अब प्राप्तियां जो होंगी तभी तो आप उसमें व्यय कर पाएंगे। तो इस समय जो बहुत सारे सेक्टर में जो कमी आई है खास करके माइनिंग क्षेत्र में, तो माइनिंग क्षेत्र में जब एक तरह तो भारत सरकार उसमें काफी कुछ छूट देने की बात करी लेकिन दूसरी तरफ पूरे औद्योगिक धंधे सब बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, तो उसमें आप कोयला का उत्पादन बंद हो गया, उससे जो टैक्स हमको मिलने वाला था वो रुक गया, दूसरा बिजली का खपत कम हुआ उसमें जो हमको मिलने वाला था टैक्स वो रुक गया। तो इस प्रकार से हमारा जो प्राप्ति है वो अगर सीमित है तो निश्चित तौर पे हम जो उसमें एक्सपेंडिचर हमारा जो है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा कमी उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी ने कहा कि सीमित संसाधन और जो आर्थिक अनुशासन ला करके और इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट का इसका जो स्वरूप दिया है वो तारीफ़े काबिल है, और आपके पास अगर प्राप्ति ज्यादा हो तो खर्च भी आप ज्यादा कर सकते हैं, प्राप्ति आपके पास अगर सीमित हो तो खर्च भी आपको सीमित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से सीमित संसाधन में जिस प्रकार से विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया गया है वो बहुत ही अच्छा है, और हम कह सकते हैं कि सीमित संसाधन में भी अच्छा काम हो सकता है। जिस प्रकार से कुणाल जी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इम्पोर्टेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है, निश्चित तौर पे उससे भी बदलाव आएगा। अल्टरनेटिव डेवलपमेंट जो मॉडल है उसमें एक तरह से परिवर्तन किया जा रहा है कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन जो है, जो रिसोर्स है हमारे पास, उसका बेहतर ढंग से किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गांधी जी की जो परिकल्पना थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमको आगे बढ़ाना है और ग्रामीण स्वराज की जो परिकल्पना थी उसको साकार करना है, तो उस दिशा में ये बजट बहुत अनुकूल है, उपयोगी है और इसको हम सफल कह सकते हैं। जी तो जैसा कि मंत्री हैं अमरजीत भगत कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि ये बजट जो है ये एक सफल बजट है, परिस्थिति के अनुकूल एक ऐसा बजट बनाया गया है जिसमें कि बेहतर बातें हो सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि जो बजट होता है उसकी सफलता सार्थकता इस बात में है, पूरी तरह से इस बात में है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति तक क्या उसका लाभ पहुंच रहा है। और एक बात कही जाती है छत्तीसगढ़ में, एक कहावत बन चुका है ये, एक कहा जा सकता है कि दो लाइनें हैं इसमें कि भूपेश है तो भरोसा है। तो इस अगर नारे को देखा जाए, इस लाइनों को अगर देखा जाए, तो अब कहीं ना कहीं इस बजट के बाद जो प्रदेश की जनता है तो वो उसी भरोसे शब्द की ओर टकटकी लगाए खड़ी हुई है और निहार रही है कि क्या आने वाले समय में और भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि उनके हित में होंगी। तो आज की परिचर्चा में इतना ही, आज बजट पर खास हमारी परिचर्चा थी, तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, तमाम जो मेहमान हैं उनका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। चलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी।
इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी और जो पैनल में बैठे हुए लोग थे उनसे चर्चा करने के लिए इस हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।